बिल्ड क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, ये देखो 2 TV है, बटन नहीं है, यहाँ भी कोई बटन नहीं है। जब आप यहाँ डिस्प्ले में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम देखेंगे हॉर्न। तो भाई हॉर्न तो देखो फिर आपको मिल जाता है। भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सबसे मेन फायदा आज के टाइम पे ये है कि आपको रिवर्स भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो हेलो गाइस, मैं हूं अंकित अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑटो अप 360। और भैया आज हमारे साथ है ओला S1 एयर, प्रो नहीं है, एयर वर्जन है इसका, जो कि भाई थोड़ा सा प्रो से नीचे आता है। तो भाई इसके सारे स्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं थोड़ी सी भाई गंदी हुई पड़ी है, लेकिन भाई गाड़ी का फायदा जो है इसको लेने का कि भाई आपके गाड़ी लेने के बाद पैसे खर्च नहीं होंगे। हाँ यार, बिजली बार थोड़ा बहुत तो भाई खर्च होता ही है हर चीज़ें, मेंटेनेंस, लेकिन इस गाड़ी का कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत वही है जो बैटरी वगैरह में इश्यूज आ जाते हैं। बाकी भाई गाड़ी की सारी बातें आपको बताएंगे, गाड़ी के लुक्स आप देख सकते हैं कि भाई कैसी लग रही है गाड़ी सामने से, ओवरऑल चारों तरफ से आपको लुक भी दिखा रहे हैं, एक लाइट भी आपके लुक के लिए जला दी है। बाकी हम इससे पहले S1 प्रो का भाई फुल रिव्यू कर चुके हैं, कस्टमर रिव्यू कर चुके हैं, तो इस गाड़ी के बारे में डिटेल बताएंगे क्योंकि ये गाड़ी भी कस्टमर की है, थोड़ी सी गंदी हुई पड़ी है तो थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग भी कर लेना। और देखो भाई लाइट भी बंद हो गई है, मतलब ये बिजली भाई फुल बचाती है, लॉक भी हो गई है गाड़ी, अभी आवाज़ आई है। तो भाई इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ बताएंगे, तो आप ये सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग एक इलेक्ट्रिक गाड़ी प्रेफर करेंगे लेना या फिर पेट्रोल गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप जरूर इस गाड़ी को लेने का प्लान जरूर कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं गाड़ी के फेस की। फेस आप देखेंगे तो भाई बड़ा सुंदर देखने में लगता है, एक रोबोट टाइप की फीलिंग आप लोग को आ सकती है इसको देखने में, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो इसके DRLs आ जाते हैं ऐसे। बाकी आप देखेंगे जो ड्यूअल LED हेडलैम्प्स हम लोग को इसमें देखने को मिलते हैं, सच है भाई, आप देखिए आप बताइए कि रोबोट जैसा इसका सिर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बाकी गाड़ी गंदी है तो भाई यहाँ पर ओला की बैजिंग आपको मिल जाती है। ओला भाई जो लोग नॉर्मल मतलब ऐसे सिटी में चलाना चाहते हैं ना, ओला को वो लोग ज़्यादा लेते हैं, जैसे जिनको रोज़ पता है कि भाई इस दुकान से या फिर इस ऑफिस से वहाँ जाना है तो वो लोग ले लेते हैं, क्योंकि भाई डीजल बर्बाद हो या पेट्रोल बर्बाद हो तो भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी आदमी प्रेफर करता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ड्यूअल कलर में आ जाता है। बाकी अगर आप प्रो लेंगे ना तो प्रो में आपको ये चीज़ नहीं मिलती, फुल बॉडी कलर में मिलता है। ये प्लास्टिक है देखिए, मतलब ये थोड़ी रिजिड टाइप का है और ये आपका वैसा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रीन नंबर प्लेट तो भैया देखो आनी है, क्योंकि ये गाड़ी क्या है, ये गाड़ी है आपकी इलेक्ट्रिक। देखो वो गाड़ी बंद हो गई, भाई कितनी बिजली बचाती है ये गाड़ी, यहाँ पर देखो लॉक हो गई, अब खोल के दिखाएंगे आपको दोबारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब फर्क आपको समझ में आएगा प्रो और उसमें, यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, ये देखिए आप ड्यूअल्स होकर हम लोग के इसमें आ जाते हैं, वहीं अगर हम प्रो लेते हैं ना तो प्रो में भाई एक मोटा सा यहाँ पे आ जाता है, एक सिंगल्स होकर, तो वो भाई मोटा सा आ जाता है, इसमें हम लोग को ड्यूअल मिलता है। काफ़ी लोग कहते थे जब मैंने वो वाली वीडियो बनाई थी, कस्टमर का भी यही कहना था कि यार अगर सिंगल्स होकर हो ना तो उसमें एक उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कस्टमर को, लेकिन वहीं अगर ड्यूअल्स होकर मिल जाए, क्योंकि भाई जो बाइक आती है ना और जो स्कूटी आती है उसमें भाई फ्रंट में ड्यूअल्स होकर आता है उस वजह से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको भाई नॉर्मल ब्रेक मिलने वाला है, ड्रम ब्रेक्स। वहीं पर अगर आप देखेंगे ना उसमें क्या बोलते हैं आपकी जो प्रो आती है उसमें भाई आप लोग को डिस्क मिल जाता है, जिससे थोड़ी सी ब्रेकिंग और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। बाकी यहां पर आप देखेंगे तो आप लोग के इंडिकेटर सभी हम आपको जला के भी दिखाने वाले थोड़ी देर बाद, तो आगे से ओवरऑल लुक आप लोगों ने देख लिया। बाकी सब कुछ सेम है, यहां पर इसके देखो मिरर्स आ जाते हैं ऐसे बॉडी कलर में, ये देखो बिल्ड क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, ये देखो 2 TV है, देखो है ना बिल्ड क्वालिटी भाई ठीक ठाक है। जो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ी बिल्कुल घटिया होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी मजबूत हो सकती है। अब यहाँ पर आप आएंगे, ये देखिए यहाँ पर आप लोग को एक फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, बाकी यहाँ पर सब सेम है। यहाँ पर एक हुक आपको देखने को मिलता है, ये स्पीकर्स आपके इसमें आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ आ जाता है। बाकी ये सारे कंट्रोल्स पर भी हम आएंगे। यहाँ पर पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपका चार्जिंग, देखो यहाँ पर लगता है आपकी चार्जिंग, है ना। अब आपको मेन इसमें बैटरी का फर्क बता दें, अब आपको ये खोल कर दिखाया है हमने, तो आपकी प्रो में आती है 5.5 किलोवाट की, इसमें आती है 4.5 किलोवाट की, मतलब थोड़ा फर्क है। और प्राइस का फर्क बता दें तो आपको जो आपकी ओला S1 प्रो आती है वो आप लोगों की आती है 1,60,000 के लगभग, अब उसकी प्राइस पहुंच गई है। लेकिन वहीं आप अगर S1 एयर की बात करें तो S1 एयर आपकी थोड़ी सी 20-25,000 रुपये सस्ती पड़ जाती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी की प्राइस क्या होगी। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये बड़ी सी टेल लाइट आपको अभी हम जला के दिखाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई सब दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे कुछ आपको पैक टाइप पर मिल जाए,
जाते हैं इसके पीछे वाले पहिए। यहाँ पर शॉकर आपको देखने को मिलते हैं, फुटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और भाई गाड़ी इतनी रफली यूज़ हुई है ना कि आपको साफ दिख रही है, जगह जगह क्रोच है, हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी मजबूत होती है तो समझ जाइए आप, हैं। ये देखिए स्क्रैचेस वगैरह, बाकी सीट वगैरह कुछ ऐसी है पकड़ने के लिए, ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब ये सारी बात हो गई ओवरऑल लुक्स की, अब बात करते हैं जो सारा अंदर माल है यहाँ पर जितना भी पूरा इसमें डिस्प्ले में है सब कुछ। अब चलिए इस पर आते हैं। ऐसा कुछ जो भाई मीटर भी बहुत गंदा है, 69% यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर देखें फाइल्स वगैरह, ये ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिविटी सारी चीज़ें। और थोड़ा सा भाई इसका मीटर भी बहुत प्यारा सा लग रहा है, फिर गंदा है, देखो आप समझ में आएगा आपको, है ना। ऐसा तो पार्किंग मोड वगैरह लगी हुई, यहाँ से देखिए आपके मोड्स चेंज हो जाते हैं। जब यहाँ पर हम लोग ये हटाएंगे ना स्टैंड, देखो हटा ही देते हैं, जब हम स्टैंड हटाएंगे ना देखना, अब ब्रेक दबाना पड़ेगा यार, देखिए तो डर गया। यहाँ से मूड चेंज हो जाते हैं आपके, ठीक है। बाकी एक्सलेटर हम वगैरह हम लेंगे, यहाँ से रिवर्स भी आपको मिल जाता है। भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सबसे मेन फ़ायदा आज के टाइम पे ये है कि आपको रिवर्स भी इसमें देखने को मिल जाता है, जिससे भाई सही चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, देखना अब देखो ये जला दिया हमने जो आप कह रहे थे ना पीछे, और देखो लाइट भी जला देंगे आपके लिए सारी। ये देखो ये जलने पर कुछ ऐसी लगती है, अभी इंडिकेटर जल रहा है ना, आगे से भी आप देखिए जो हमने आपसे बताया था, ये रात में आप देखेंगे ना तो और क्लियर साफ समझ में आएगा कि भाई कैसा क्या चीज़ें हो जाती हैं। बाकी लाइट्स आप देखिए, ये देखिए ये DRLs हैं इसकी, ये दोनों लाइट्स हैं, तो रोबोट जैसा थोड़ा सा इसका मुखड़ा बन जाता है। बाकी इसको हम बंद करेंगे जब, देखना अब देखो बंद किया हमने तो अब देखो नॉर्मल लाइट ऐसी लगती है जलने पर, ये देखो, और वो धूप की वजह से आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे हॉर्न, तो भाई हॉर्न तो देखो ठीक है, ठीक ठाक है। तो यहाँ से ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बाकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है चाबी की, आप लोगों को इसमें कोई ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है। देख सकते हैं भाई ऐसे कुछ लुक्स आ जाते हैं। आप डिग्गी खोलने के लिए आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या करना पड़ेगा, कैसे डिग्गी खोलेगी, हम भी भाई कन्फ्यूज थे। देखो यहाँ पर कोई बटन नहीं है, यहाँ भी कोई बटन नहीं है। जब आप यहाँ डिस्प्ले में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखो देखो खुल गई, अब देखना लो भाई इतनी आसानी से इसकी डिग्गी खुल जाती है। बाकी सामान भी देखो आप, पर्याप्त सामान भाई इसमें रखा है, अच्छा खासा सामान आ जाता है। दो हेलमेट आपके इसमें आराम से आएंगे, ये देखो लॉक हो गई, जब हम दोबारा इसको दबाएंगे ना, ये देखो भाई इसी से खुल रही है। ऐसा फुल भाई फुल सिस्टम बना के दिया है कंपनी वालों ने यहाँ पे। तो ओवरऑल ऐसा कुछ आ जाता है। अब बात करते हैं भाई मेनली रेंज की, तो रेंज भाई इसकी हम लोगों को 120 मिलती है। कंपनी तो देखो भाई कुछ भी क्लेम करती रहे, लेकिन यहाँ पर रेंज भाई हम लोग को 120 ही दे रही है। कस्टमर ने जो हम लोग को बताया, खैर हम लोगों ने अभी इसका ऐसा टेस्ट नहीं किया है तो हम लोग भी कुछ खास ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये भाई इतनी दे रही है। बाकी प्रो की बता दें तो प्रो भाई देखो मोड होते हैं ना इसमें तीन, एक आपका उसमें होता है पावर मोड, ठीक है, एक आपका इको मोड और एक नॉर्मल। तो भाई इको में तो देखो अच्छी खासी चल जाती है, इको की बता रहे हैं 120 आपको, ठीक है। ये अगर आप पावर वगैरह चलाओगे ना तो उसमें भाई इतना ज़्यादा नहीं देती। वो पावर से ऊपर भी एक इसमें मोड होता है, उसका नाम अभी हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भाई स्पीड अच्छी खासी 120 तक चली जाती है। लेकिन भाई उसमें पावर आपकी जो होती है ना, पावर इन्हेंस होती है, तो आपका भाई माइलेज कम हो जाता है। तो ऐसा कुछ आपका इस गाड़ी के बारे में टोटल रिव्यू था। तो आप पहले ओवरऑल लुक आप लोगों ने देख लिए कि भाई ये कैसी है। आप अपना ओपिनियन आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि आप इस गाड़ी को लेंगे या नहीं लेंगे। चार्जिंग का बता दें तो चार्जिंग है भाई से आपके लगवाते हैं 6 से 6.5 घंटे इस गाड़ी को फुल चार्ज होने में, फुल चार्ज में वही 120 के लगभग ये चल जाती है इको मोड में। तो अब आप बताइए, आपकी सारे डाउट्स मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। कोशिश करेंगे भाई कि इसके कस्टमर भी आपके साथ अगली बार लेकर आएँ। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।